हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जिंदगी भर में कितनी जानकारी स्टोर कर सकता है? अगर हम किसी तरह अपने दिमाग में हर सेकंड 10 नई जानकारी के टुकड़े भर पाएं, फिर भी हमने पूरे जिंदगी भर अपने दिमाग के सिर्फ आधे हिस्से का उपयोग किया होगा। ये जानकारी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जो ये बताती है कि एक दिमाग और उसकी शक्ति तो सबके पास है, पर बुद्धिमान वही कहलाता है जो इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाता है। आप आसपास गौर कीजिए और आप ये जानेंगे कि इस दुनिया में हर एक इंसान या तो कोई नई चीज सीख रहा है या तो आगे कभी ना कभी सीखने वाला है, चाहे वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, पहली बार साइकिल चलाना या फिर गिटार बजाना। हम सबको कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है कि काश हम कोई चीज जल्दी सीख पाते। हमने पहले के एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो हर बार नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी तरह कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद दिमाग में इस बदलाव लाने के प्रोसेस को तेजी से बढ़ा सके, तो हम ज्यादा चीजें याद भी रख पाएंगे और ज्यादा चीजें सीख भी पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ यही होगा, और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप आगे बताए गए तकनीक का इस्तेमाल अपने जिंदगी में करोगे तो आप सिर्फ पहले से दुगनी तेजी से कुछ भी सीखने ही नहीं लगोगे, पर सीखी गई चीजों को बहुत ही लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें एक मेमोरी टेस्ट कंपटीशन रखा गया था कुछ एवरेज लोगों और ट्रेंड मेमोराइजर्स के बीच। अब जो लोग ट्रेंड मेमोराइजर्स नहीं थे, उनका इस टेस्ट में एवरेज स्कोर निकला 20 से 60%, और जो लोग ट्रेंड मेमोराइजर्स थे उनका एवरेज स्कोर निकला 95 से 100%, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस था। तो ऐसा क्यों हुआ? वेल, इसीलिए क्योंकि ट्रेंड मेमोराइजर्स अपने दिमाग को ठीक तरीके से यूज करना और जानकारी को सही तरह से मैनेज करना जानते हैं। एक एवरेज इंसान मोस्टली यूज करता है वर्बल मेमोरी, यानी वर्ड्स से जुड़ी हुई मेमोरी, जबकि दूसरी तरफ ट्रेंड मेमोराइजर्स यूज करते हैं विजुअल यानी पिक्चर मेमोरी। अगर आप जानकारी को उसके पिक्चर यानी एक तस्वीर के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में लॉजिकली स्टोर कर पाए तो आप वो इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं भूलोगे। इसके साथ साथ कुछ भी मेमोराइज करते वक्त जितना हो सके उस पिक्चर में जान डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से हम उन्हें हमारे दिमाग के लिए यादगार बनाते हैं। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे, और एक दिन आप भी एक ट्रेंड मेमोराइजर की तरह बन सकते हो जो एक बार में सैकड़ों शब्दों को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में पिक्चर्स को एक लॉजिकल तरह से अरेंज करके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है तो आप आज से ही बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे कोई भी चीज सीखने या मेमोराइज करने का बेस होगा। अब कैसा रहेगा अगर आप कुछ भी सीखने में सिर्फ 20% मेहनत और समय डाल पाए और उतने में ही किसी भी चीज का 80% सीख जाए? बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, राइट? तो एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है जो बनाया गया है विल्फ्रेडो पेरिडो द्वारा, जिसे हम कहते हैं दी 80-20 प्रिंसिपल। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये बेसिकली ये बताता है कि आपके लाइफ में कोई भी चीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका सबसे महत्वपूर्ण 20% होता है, जो इम्पोर्टेंस में उस चीज के 80% के बराबर होता है। आप इस सिद्धांत के उदाहरण को जिंदगी में कहीं भी देख सकते हैं। जैसे आपकी जिंदगी में यूजुअली बस कुछ 20% लोग आपके 80% खुशी के लिए जिम्मेदार होंगे, और व्यापार में बस कुछ 20% कस्टमर्स आपको लगभग 80% सेल देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही कोई भी चीज को सीखने के लिए बस 20% इम्पोर्टेंट लर्निंग मेथड्स और लर्निंग कंटेंट आपको 80% रिजल्ट देंगे। अब यहाँ आपको थोड़ा रिसर्च करके उस सबसे इम्पोर्टेंट 20% चीज जो आपके लिए काम करती है उसको ढूंढना होगा, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है स्मार्ट वर्क का, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना उस 20% हिस्से का एक बड़ा पार्ट होगा, और फिर समय बचेगा तो आप बाकी के और चीजों पे भी ध्यान दे सकते हो। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें मेहनत एग्जैक्टली कहाँ करना है, तो अब जितना भी टाइम हम उस काम को देते हैं उसमें हमारा फोकस एकदम शार्प होना चाहिए, जो ये ध्यान रखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी को एब्जॉर्ब कर सके। बट ये कभी कभार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, राइट?
हमें काफी परेशानियां होती है हमारे दिमाग को एक जगह ज्यादा देर तक एकत्रित रखने में, और डरिए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। कई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हमारे दिमाग का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक काम में 30 मिनट से 45 मिनट के बीच सबसे स्ट्रांग रहता है। तो अगर हमें कोई चीज अच्छे से और जल्दी सीखना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कोई भी काम इसी समय दौरान करें। ठीक इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक तकनीक बनी गई है जिसे कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। ये तकनीक वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप गारंटीड कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाओगे। इस तकनीक से पढ़ते वक्त आपको अपने आसपास के हर एक डिस्ट्रैक्शन को साइड में करना होगा और 25 से 30 मिनट्स के छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करनी होगी। इन सेशंस के बीच में आप 1 से 5 मिनट के ब्रेक्स ले सकते हो और 3 या 4 ऐसे सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक। इससे आपका फोकस एक लेजर की तरह शार्प रहेगा और दिमाग में नई सीखी गई चीजों के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। तो अब तक हमने बात कर लिया कि हमें विजुअल मेमोरी पे ज्यादा ध्यान देना है और ये भी जान लिया कि हमें किसी भी चीज के सबसे महत्वपूर्ण 20% भाग में पोमोडोरो तकनीक यूज करके 25 मिनट्स के सेशन में पढ़ाई करनी है। अब आइए जानते हैं कि हम इन्हीं सेशंस को सबसे शक्तिशाली कैसे बना सके। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ट्राई जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इस तकनीक का नाम है दी फाइनमैन टेक्निक, जिसे नाम दिया गया है एक साइंटिस्ट और एक बहुत ही अच्छे टीचर रिचर्ड फाइनमैन के ऊपर। इस तकनीक का मूल भाग है चीजों को आसान करना और अपने आप को एक शिक्षक की तरह सरल भाषा में खुद सिखाना। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप एक टीचर हो और किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि अगर आप किसी चीज को आसान शब्दों में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपको वो चीज का गहरा ज्ञान नहीं है। तो ये फाइनमैन तकनीक बिल्कुल इसी सिद्धांत पे काम करता है। रिसर्चर्स द्वारा ये जाना गया है कि इंसान रीडिंग से सिर्फ 10% याद रख पाता है और सुनने से सिर्फ 30%, बट अगर वो काम आप खुद करो तो 80% तक आप याद रखते हो। इसीलिए ये तकनीक इतना पावरफुल है। अब इस तकनीक से पढ़ने का सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने वर्कबुक में उस टॉपिक का नाम लिख दे जिसे आप पढ़ने वाले हो। फिर अपनी थियरी बुक्स से वो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए और जो भी आपने सीखा वो इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता है। आपको पढ़ाते वक्त अपने वर्कबुक का इस्तेमाल करना है नोट्स लिखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल याद रखिए कि चीजों को सरल करना इस तकनीक का मूल महत्व है। तो जितने आसान शब्दों में आप ये एक्सप्लेन कर सके उतना अच्छा है, उतनी गहरी उस विषय में आपकी समझ होगी। और मुझे पर्सनली ये टेक्निक सबसे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि ये किसी भी विषय में आपकी रुचि को कहीं गुना बढ़ा देगा और ध्यान रखेगा कि आपको ज्ञान भी मिल रहा है और आप सिर्फ मेमोराइज नहीं कर रहे हो। इस तरह से एजुकेशन का जो असल महत्व है वो भी पूरा हो पाएगा। तो ये थे कुछ तकनीक जो अगर आप कुछ भी सीखने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब में से सबसे अच्छी तकनीक कौन सी लगी कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। और अगर आप पहले से ही इनका इस्तेमाल करते हो पढ़ते वक्त तो वो भी हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।